वासी है और मैं एज अ रीजनल मैनेजर इंडस हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हूँ। यहाँ पे हमने जो सो फार जो स्क्रीनिंग की है, आपके जो प्रेस क्लब के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो स्टाफ है, तकरीबन 60-70 के करीब की है। टारगेट यही है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी स्क्रीनिंग हो। और इसके अलावा हमने लगभग जो है तकरीबन कोई 2500 के करीब जो है ओवरऑल स्क्रीनिंग की है फॉर द लास्ट 8 या 9 डेज, जिसमें कोई 90 के करीब ऐसे हैं जो कि सस्पेक्टेड निकले हैं। उनको बकायदा जो है डिपार्टमेंट के थ्रू जो है हमने 112 पे जो है उनसे उसकी कोऑर्डिनेशन करा के उनको हमने रेफ़र कर दिया है फातिमा जना चेस्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर बकायदा PCR रियल टाइम जो टेस्ट है वहाँ पर होते हैं, तो उनको हमने वहाँ पर रेफर किया। ये प्रोविंशियल TB कंट्रोल प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, उसमें इंडस हॉस्पिटल कराची एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तामुल कर रही है, और लीड रोल जो है वो प्रोविंशियल TB कंट्रोल प्रोग्राम का है, जिसमें बाकायदा उनके तवस्स से जो है जितनी भी हाई रिस्क जो पोटेंशियल जगह हैं, जिसमें आपका RDA, PCSIR, आपका BMC, सिविल हॉस्पिटल, पुलिस लाइन, IG ऑफिस, CCP ऑफिस, आपका ये प्रेस क्लब, तो ये जो पोटेंशियल लोकेशन है इनको हमने किया था फोकस, ताकि यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली उनका ताल्लुक है, कॉन्टैक्ट में रहते हैं मरीजों के साथ, तो हम ये चाह रहे हैं कि उनको हम फोकस करें, उनकी हम स्क्रीनिंग कर सकें। इट्स अ स्क्रीनिंग टूल, इट इज़ नॉट अ टेस्टिंग टूल। ये पहले स्क्रीन करता है, इसमें बकायदा एक COVID-19 क्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया गया है केयर फॉर टीबी के सॉफ्टवेयर में, ये बकायदा रीड करता है। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को रीड करने के बाद जो है उसको असेस करने के बाद जो है ये हमें रिजल्ट देता है कि आया कोई बंदा हाई रिस्क पे तो नहीं है, मीडियम रिस्क पे तो नहीं है या लो रिस्क पे तो नहीं है। जैसे ही अगर कोई निकल आता है हाई, मीडियम, लो, तो उनको हम रेफर कर देते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू PCR टेस्ट।